अब भाई रावण अभी राम लक्ष्मण को ढूंढ रहा था, हनुमान जी क्या किया, हनुमान श्री विभीषण ने, हाँ विभीषण ने कहा तुम लोग सावधान रहो, किसी समय कि अहिरावण, हाँ किसी समय भी कौन सा रूप को ये धारण कर सकता है, तुम लोग सबके तुम सावधान रहो। और हनुमान ने अपना पूछ से, अपना पूछ को अपने घर जैसे बना दिया और हनुमान के ऊपर बैठा हुआ, और उसको पूछ के अंदर में राम और लक्ष्मण उसका अंदर में थे। इतने में अहिरावण ने विभीषण ने कहा मेरे अलावा किसको भी अंदर में जाने नहीं देना। इतने में अहिरावण ने रूप धारण कर लिया, विभीषण का रूप धारण कर लिया, बोला मैं अभी जा रहा हूँ, तुम सावधान रहना। लेकिन वो राक्षस था और आया तो उसने पाताल भेद करके राम लक्ष्मण को, उन्होंने बेहस करके राम लक्ष्मण को उन्होंने चोरी करके ले गया। जब चोरी करके ले गया पातालपुरी में, अभी वो राम और लक्ष्मण को वध करना चाहता है, वो वध करना चाहता है। थोड़ी देर बाद में सचमुच से विभीषण आ गया। विभीषण आकर बोला, जब विभीषण आया बोले तुम तो गया था, तुम तो दोबारा कैसे आ गया, बोले नहीं मैं आया ही नहीं, मैं तो आया ही नहीं, बोले जरूर ये अहिरावण ने काम किया है। खैर हनुमान जाकर देखा सचमुच से राम लक्ष्मण को है नहीं, परंतु एक सुरक है। इतने में हनुमान जी उनने सूक्ष्म रूप धारण करके पहुंच गया पातालपुरी में, और वहां देखा राम लक्ष्मण।